महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबादी चौक में यूथ मार्च। पार्लियामेंट की तरफ जाने की कोशिश पर कारकुनों और पुलिस में धक्कमपेल हो गई। अमीर जमात इस्लामी भी नसला टावर मुतासरीन की हिमायत में बोल पड़े। सिराजुल हक कहते हैं कि बनी गाला रेगुलराइज हो सकता है तो आम शहरियों के फ्लैट्स क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के सामने टावर रेगुलराइज हो सकता है तो कराची का नसला टावर क्यों नहीं। इसी बारे में इस्लामाबाद से गौहर महसूद की रिपोर्ट देखते हैं। जमाती इस्लामी का इस्लामाबाद में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ यूथ मार्च। डी चौक पर पहुंचकर कारकुनों ने रेड जोन में दाखिल होना चाहा तो पुलिस ने उन्हें आगे न बढ़ने दिया। जमाती इस्लामी के कारकुनान ने खारदार तारें हटाने की कोशिश भी की, ताहम अमीर जमात इस्लामी की हिदायत पर वापस आ गए। मार्च के शुरुआत से खिताब में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि अगर हुक्म दूं तो नौजवान पार्लियामेंट के अंदर जा सकते हैं। मौजूदा हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन उनकी जेब की घड़ी बन जाए, 2023 में धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौजूदा हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन कमीशन उसके जेब के घड़ी बन जाए और चाहती है कि उनके घड़ी की मछली बन जाए। 2023 में एक ऐसा इलेक्शन चाहती है कौम, एक ऐसे इलेक्शन चाहती है जिसमें कौम जिसको वोट दे और नतीजा भी उन्हें के हक में निकले। हम दानली को नहीं करने देंगे, हम शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पिंडोरा और पानामा में शामिल तमाम अफराद को समन जारी करे। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के सामने टावर रेगुलराइज हो सकता है तो नेस्ला टावर क्यों नहीं। जमात इस्लामी का यूथ मार्च एम्बेसी रोड से शुरू होकर डी चौक पर पहुंचा, जहां शुरुआत ने इलामती धरना भी दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर किफायत अली शाह के हमराह गौहर महसूद, 24 न्यूज इस्लामाबाद।